तो सात लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो कि जिसके सामने किसी ने दावत गुनाह दी तो उसने आगे से कहा इन्नी अखाफुल्लाह कि मैं अल्लाह से डरता हूँ या डरती हूँ। तो दोस्तों आज एक वाक्य आपको सुनाऊंगा, एक नौजवान का वाक्य कि जिसने अल्लाह तबारक व ताला के खौफ की वजह से जो दावत गुनाह को ठुकरा दिया। एक नौजवान बड़ा ही हसीनो जमील था, बड़ा ही खूबसूरत था। वो एक कपड़े की दुकान पर जो है वो काम करता था। तो वहाँ एक औरत कपड़ा ख़रीदने के लिए आई तो उस औरत की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। तो उस औरत ने जानबूझकर कपड़ा ज़्यादा ख़रीदा और दुकान के मालिक से कहा कि कपड़ा भारी हो गया है, मेरी गठड़ी भारी हो गई है, तो मेहरबानी फरमाएं इस नौजवान को कहें कि ये कपड़ा उठा के मेरा घर जो है वो थोड़ा दूर ही है, लेकिन मेहरबानी फरमाएं वो कपड़ा जो उठा कर मेरे घर छोड़ आए। तो मालिक उसकी नीयत को ना भांप सका तो उसने उस नौजवान को कहा कि बेटा ये कपड़ा इस औरत के घर में छोड़ो। वो औरत बड़ी ही हसीनो जमील थी, नौजवान भी थी, खूबसूरत भी थी। तो जब घर पहुंचा तो उस औरत ने लड़के को अंदर दाखिल करके दरवाज़े मुकफ़ल कर दिए, दरवाज़े बंद कर दिए और उस लड़के को दावते गुनाह देने लगी। लेकिन उसने आगे से कहा इन्नी अखाफुल्लाह कि मैं तेरी बात कैसे मान जाऊँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो उस औरत ने अपने तन के सारे कपड़े जो है वो उतार दिए, बिल्कुल नंगी होके उस नौजवान के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि ज़रा नज़र उठा के मेरी तरफ तो देख कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरा जिस्म कितना खूबसूरत है, मेरी बनावट कितनी खूबसूरत है, तो फिर भी तू मेरी तरफ मायल नहीं हो रहा। तो उस नौजवान ने फिर कहा इन्नी अखाफुल्लाह मैं तेरी बात कैसे मान जाऊँ, मैं अपने रब से डरता हूँ। तो उस औरत ने ज़िद की, जब उस लड़के ने देखा, उस नौजवान ने देखा कि औरत जो है वो अब ज़िद पर उतर आई है, अब ये मेरी जान नहीं छोड़ रही, तो उस लड़के ने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है तो उसके बाद मैं तेरी बात आके मानता हूँ। औरत बड़ी खुश हुई और कहा कि ये बाथरूम है, जाओ तुम। जब वो लड़का बाथरूम में गया तो उसने अपना पखाना अपने हाथों पे करके अपने चेहरे पर मल लिया और अपने कपड़ों पे मल लिया और पखाना करके बाहर निकला तो उसके चेहरे पर और उसके कपड़ों पर पखाना लगा हुआ था। तो जब उस औरत की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने दरवाज़े खोल दिए और कहा तू कोई मजनू लगता है मुझे, तू तो कोई पागल है कि जिसके सामने इतनी हसीनो जमील औरत खड़ी हो और तू उसकी तरफ मायल नहीं हो रहा, तू कोई तू पागल है, तो अपने चेहरे पर अपने कपड़ों पर पखाना मल के निकल आया, जा मेरे घर से निकल जा। तो वो नौजवान वहाँ से निकला और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहा था कि मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मन सुथरा रहा। तो भाइयों जब वो नौजवान निकला और रब का शुक्र अदा किया और साथ में एक चश्मा था, वहाँ उसने गुसल किया और गुसल करने के बाद वो वापस आ गया। तो तारीख गवाह है कि वो नौजवान जब दुनिया से गया तो उसकी कब्र की मट्टी से भी खुशबू आ रही थी, पता चल रहा था कि दुनिया से जाने वाला पक्का जन्नती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि सात लोग जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अरश का ठंडा साया अता फरमाएगा, उनमें से एक वो है कि जिसके सामने किसी मर्द ने या किसी औरत ने मर्द को दावत दी और मर्द ने औरत को दावत दी, दावत गुनाह दी, तो उसने आगे से कहा इन्नी अखाफुल्लाह मैं तेरी बात कैसे मान जाऊँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ या डरता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वाक़या से यही सबक मिलता है कि खालिसतन रब की रज़ा की खातर अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहें। अगर किसी को कोई दावत गुनाह भी दे तो वो आगे से कहे इन्नी अखाफुल्लाह मैं तेरी बात कैसे मान जाऊँ,
मैं अल्लाह से डरता हूँ या डरती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना सुनाया इस पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा।